पे हमें मोदी की हिस्ट्री का पता, उसकी नेचर का पता होने, अगर वो हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं तो हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। इंडिया हर साल पानी छोड़ता है। इंडिया में अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए ये कहा है, उन्होंने ऐलान किया है, हमारा दिल खुश हुआ है। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो, और आज हम बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार की एक ट्वीट के ऊपर। जी हाँ, आजकल पाकिस्तान में जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं सैलाब के, उसको लेके मोदी सरकार ने ट्वीट की है कि उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि पाकिस्तान दिन ब दिन बहता जा रहा है, पाकिस्तान की हालत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बुरी होती जा रही है, और इस चीज़ पे उन्होंने खासा अफसोस का इजहार किया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि ये भी साथ में कहा है कि कोई भी मदद अगर पाकिस्तान को चाहिए हुई तो वो करने को तैयार है, क्योंकि हम उनका हमसाया मुल्क है, और कोविड के टेन्योर में जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया था तो इमरान खान साहब ने यहाँ से खासी मदद का इजहार भी किया था, बल्कि की भी थी, यहाँ से काफ़ी हद तक उनको मास्क और हमारी तरफ से ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाया गया था। तो इस बुरे टेन्योर में मोदी सरकार भी हमारी मदद करने को तैयार है। पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं उनकी राय कि उनको क्या लगता है, क्या इस वक्त जो यहाँ पे सिनेरियोस चल रहे हैं उसमें हमें मोदी सरकार की मदद लेनी चाहिए या नहीं, और उन्होंने जो ट्वीट की है ये लोग उनकी ट्वीट को किस नज़र से देख रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताती चलूं कि सितंबर के एंड होने तक अभी तक जो हमारा रेशो चल रहा है बर्बादी का, वो 5.5 बिलियन है, जो कि सितंबर के एंड होने तक जिसका अमकान है कि वो 10 बिलियन पे चला जाएगा। 10 बिलियन का लॉस पाकिस्तान को इस फ्लड की वजह से एक्सपेक्टेड हो चुका है। क्या आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा लॉस हो सकता है, और क्या मोदी सरकार की ट्वीट से पाकिस्तानी आवाम को कोई दिलासा मिला या नहीं, ये जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। इस बारे में मेरी क्या राय ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? खदीजा साहब। सैयद उमर अली। उमर। खदीजा साबिर साहिबा, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की कंडीशन आपके सामने है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं। दूसरी जानिब से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने इजहार किया है ट्वीट के थ्रू कि उनको बहुत ही अफसोस है कि पाकिस्तान इतने बुरे हालात से गुजर रहा है, इतने बुरे जो है ना मंजर यहाँ देखने को मिलते हैं हर दिन उनको सोशल मीडिया पे, तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी अफसरदा हैं और मदद भी करना चाहते हैं पाकिस्तान। उन्होंने पानी छोड़ दिया। अच्छा, पानी, जहाँ तक मैंने भी ये बात बहुत से लोगों से सुनी कि उन्होंने पानी छोड़ के गलत किया, जहाँ तक पानी छोड़ने का सवाल है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में पानी वाफिर है और हमें इस वक्त सैलाब वाला पानी कहीं छोड़ने का मौका मिले, तो क्या हम अगले का वफा सोचेंगे? ये गलती है ना, उनको ये पहली दफा पानी छोड़ा है, ऐसा ही है। इंडिया हर साल पानी छोड़ता है, सैलाब भी हर साल आता है, ये हमारी हुकूमत है जो ना डैम्स बनाती है, जो कोई केयर नहीं करती, ना कोई कंस्ट्रक्शन की तरफ आती है, बस लड़ना है इनको सिर्फ कुर्सी की पड़ी हुई, और बस अगर आज कालाबाग डैम बनाता तो जो इंडिया पानी छोड़ता है ना वो कभी भी ना छोड़े, वो सके भाई डैम बन गया, पानी डैम में ही जाना है, वो पानी जाके तबाही नहीं मचाएगा। ये डैम जब जो 350 डैम बनाने थे खान साहब ने, जो कह रहे थे बना दिए, किधर है वो डैम? नहीं, वो डैम नहीं थे, वो इनकी बातें थी, वो झूठे वादे थे। सो मजीद हर साल सैलाब आना है, और अल्लाह ना करे आए, हर साल ही इंडिया पानी छोड़ता है, लेकिन ये वो हुकूमत है जो हर साल ही के हाथ खड़े कर ले। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है वो तो अपनी आवाम को सेव करने के लिए उन्होंने निकालना ही होता है, हर साल जब वहाँ वाफिर होता है तो वो छोड़ते ही छोड़ते हैं, मगर सैलाब की रीज़न उनका छोड़ा हुआ पानी हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मोदी सरकार की इस वक्त हम ट्वीट को देखें तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव गेस्चर शो किया है पाकिस्तान के लिए कि उनको काफ़ी बेहद बुरा लगा, किस नज़रिए से देख रही हैं आप उनकी सिग्नेचर साइन को? देखिए, जो अंदर के मामला होते हैं वो अंदर के होते हैं, ऊपर से तो हर किसी ने अफसोस ही करना है, अगर अल्लाह ना करे अगर इंडिया में भी कुछ होता है तो हम अफसोस ही करेंगे, अगर अफसोस करें तो जाहिर सी बात है एक इंसानियत के नाते तो अफसोस ही करते हैं, लेकिन अगर उनकी लेकिन आ जाके बात अपने पर आती है, अगर आज आपने मुल्क का ख्याल किया होता है, डैम्स बनाए होते या इन सब पहले ही प्रिकॉशंस ली होती तो ये पानी ना आता, और अगर आता भी तो हमें पता होता कि ये पानी हमने कहाँ भेजना है, किस तरह अपनी आवाम को सेव करना है, अपने मुल्क को सेव करना। बहुत अच्छी बात है कि इंसानियत की खातिर हमारे 100 इख्तलाफात हों, लेकिन जो उन्होंने ऐलान किया है हमारा दिल खुश हुआ है, हमारी मोहब्बत बढ़ी है उनसे। इस टाइम पाकिस्तान में बहुत बड़ी आफत है, हमारे हुक्मरान इस रेटिंग में पड़े हुए हैं कि उसने मेरी पार्टी ने 500 अरब 3 घंटे में इकट्ठा कर लिया, और वो कहते हैं जी हमने 1 घंटे में 1 खरब 5 अरब इकट्ठे कर लिए। यार तुम नंबरों पे पड़े हुए, पाकिस्तान डूब चुका है, इतनी बड़ी आफत है कि पाकिस्तान कहते हैं 25 साल लगेंगे हमने रिकवर करने में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन खुदारा अपनी अपने अपने नाम से, अपनी मैं से, अपनी पार्टी से निकल कर पाकिस्तान का सोचे, गैर मुल्की हमारे लिए जो हमारा हरीफ दुश्मन समझा जाता है वो इस कदर इस
स्टेज पे आके ऐलान कर रहा है तो आप लोगों को सोचना चाहिए। इतना पॉजिटिव गेस्ट शो कर रहे हैं तो हमें खुद भी उस चीज को लेके। बेशक मैं एक शेर सुना देता हूँ। ए मेरे शहर के लोगों तुम शिकायत क्यों नहीं करते, ए मेरे शहर के लोगों तुम शिकायत क्यों नहीं करते, इतना जुल्म सहकर भी तुम बगावत क्यों नहीं करते, ये जागीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने, तुम पर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते। पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है उनके साथ तो नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। तो पाकिस्तान को और काफ़ी इस्लामिक मालिक की तरफ से इसकी हेल्प आ चुकी है, मेरे ख्याल में टर्की की तरफ से आई है, यूएई की तरफ से आई है, तो अगर उसने देनी होती तो ऑलरेडी दे चुका होता, लेकिन ये अच्छी बात है कि उसने पॉजिटिव जैसे शो किया और आज शहबाज शरीफ ने भी उनका थैंक यू किया कि आपने ये पॉजिटिव जैसे शो किया। आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान इस चीज़ को आने वाले वक्त में किस तरह लेके चलेगा, ये चीज़ दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक कायम कर सकती है? देखें जो कॉमन इशू है ना दोनों में वो कश्मीर का है, अगर ट्रेड छुप छुपा के हो रही है ऑलरेडी तो मेरे ख्याल में कश्मीरियों को सारे स्टेक होल्डर को ना मेरे ख्याल में ऑन हैंड लेना चाहिए और फिर ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ट्रेड ना होने की वजह यही होती थी कि ना कश्मीर नाराज़ हो जाएंगे, तो अगर अब ऑलरेडी हो रही है तो मेरे ख्याल में कश्मीर का इशू भी इसके साथ ही रिजॉल्व होना चाहिए। अच्छी बात है, मतलब वो एक दूसरा मुल्क हो के दुश्मनी चल रही है, उन्होंने हमारे मुल्क के बारे में सोचा और बात अफसोस किया। तो अच्छी बात है कि उन्होंने एक पॉजिटिव गेस्चर शो किया है। आपको क्या लगता है हमें इस चीज़ का जवाब कैसे देना चाहिए, इसको कैसा गेस्चर कंसीडर करना चाहिए, अच्छा या बुरा? अच्छा करना चाहिए, जाहिर सी बात है, और उनके लिए मतलब अगर वो हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं तो हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। देखें मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने आलमी दुनिया में जो है अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए ये बात की है कि हम दूसरे मुल्कों को लगे कि जी ये इंडिया की तरफ से नहीं किया जा रहा और इंडिया को इसमें जो है अफसोस है, और हमने उन्हें इमदाद की जो है वो एक क्या कहते हैं उसे लाइक रिक्वेस्ट भी की है कि आप अगर इम्तियाज चाहते हैं तो हम आपको देते हैं, अगर उन उसका दिली तौर पे इमदाद करने का होता तो वो भेज चुका होता अब तक। तो इसने मुझे लगता है कि आलमी दुनिया में अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए ये कहा है कि हम जो है ना आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं हो सकता इसका? नहीं मुझे नहीं लगता है उनका। अच्छा, अगर इसके पीछे कोई पॉजिटिव गेस्चर भी है तो आपको लगता है कि ये चीज़ आने वाले वक्त में पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मुखालफत को ख़त्म की जा सकती है या अच्छी साबित हो सकती है? नहीं, अगर मोदी की हुकूमत है तो हम इसमें इस चीज़ को पॉजिटिव गेस्चर बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हमें मोदी की हिस्ट्री का पता है, उसके नेचर का पता है, नेचर जो है ना वो चेंज नहीं हो सकती किसी भी इंसान की, तो पॉजिटिव गेस्चर इसे बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, ये उसकी अपने मफादात के लिए, और वो हमेशा पाकिस्तान को कोई ना कोई लाइक नीचे करने के लिए और कोई नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा जो है ना वो कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। देखिए हम उसके बारे में मोदी या इंडिया के बारे में क्या कहें, जब हमारे हुक्मरान ही ख़राब चल रहे हैं, जब उन्हें कोई परवाह नहीं, जब हम अपने खुद चारों तरफ मसलों से घेरे हुए हैं, तो मोदी और इंडिया की तो बहुत दूर की बात है। बाकी जो उन्होंने ट्वीट्स किया और भी जो कहते हैं दूसरे ममालिक की तरफ से भी ट्वीट्स आ रहे हैं और सब जो हालात है पाकिस्तान के तो सब अफसोस ही कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है कि वो लोग मोदी सरकार के ट्वीट को किस नज़र से देख रहे हैं और उनको इस चीज़ को लेके कितना दिलासा हुआ। पाकिस्तानी आवाम इस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरी जानब अगर मेरी राय का इजहार करने को कहा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव गेस्चर था ये उनकी तरफ से, और जो कोविड में हमने उनके लिए किया ये उस चीज़ का हिसाब उन्होंने चुकता कर दिया इस चीज़ को कहकर भी, और अगर वो इस चीज़ को करते हैं फॉर्म में लेकर आते हैं प्रैक्टिकल भी शो करवाते हैं तो दोनों मुल्कों के आने वाले वक्त हालात और तालुकात के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाज़त, फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।